क्या दलित समाज अब राजनीति में एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है? क्या काशीराम का बहुजन समाज को स्थापित करने का प्रयोग फेल हो चुका है? और क्या दलित समाज अब सामाजिक न्याय की राजनीति की ओर बढ़ता जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें। यूपी में पिछली लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के नतीजे देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि दलित समाज अब नेताओं के वहां बंधुआ नहीं रहा। दलित समाज भी अपना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हित देखकर ही अपने नेताओं का चुनाव कर रहा है। कहीं ना कहीं अब वह इस प्रकार के झांसे में नहीं फंस रहा जिसमें भाजपा को उनका दुश्मन एवं दलित नेताओं को ही हितैषी बताया जाता था। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित समाज के एक बड़े वर्ग, खासतौर से गैर जाटव दलितों का मायावती की बसपा से हटकर भाजपा की ओर जाना एक बड़े संकेत दे रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ दशकों में राजनीति का जो दलितीकरण देखा है वह किसी और राज्य में नहीं हुआ। देश में पंजाब एवं बंगाल भी बड़ी दलित आबादी वाले राज्य हैं, लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश से वह काफी अलग हैं। दरअसल इन राज्यों में दलित नेता के हाथ सत्ता की बागडोर तो छोड़िए, पार्टी संगठन और सरकार में हिस्सेदारी भी ना के बराबर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा भी देखा जा रहा है कि मुसलमान मतदाताओं का बसपा से मोह भंग हो चुका है। दरअसल 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी ने दलितों की आकांक्षाओं को भांप लिया था। सत्ता में आने के बाद केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और दलित हित की नीतियों के कारण ही जिस तबके को भाजपा के रूप में एक नई आकांक्षा मिली है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इन बदलावों के पीछे मुख्य रूप से दो ही कारण हैं। पहला, जातिवाद की राजनीति का कमजोर पड़ना तथा दूसरा, समाज को विकास की ओर ले जाने की होड़। बदलते वक्त के साथ दलित समाज भी अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित देखकर ही फैसला ले रहा है। वह अब अपने ही समाज के नेताओं के बहकावे में नहीं आ रहा। यही कारण है कि भाजपा और गैर जाटव दलितों का गठबंधन पिछले 7 सालों में मजबूत होता जा रहा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट्स। नमस्कार।